हरनाज कौर संधू ने 2021 का मिस यूनिवर्स खिताब जीता तो लोगों ने उन पर नाज किया, बढ़ाई की और बधाई दी। लेकिन हाल ही में हुए लैक्मी फैशन वीक 2022 में हरनाज के ट्रांसफॉर्मेशन के वीडियो और फोटोज पर सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग शुरू हो गई। शायद कुछ लोगों की आदत ही होती है बिना डिटेल जाने हर बात पर कोई ना कोई कमेंट करना, और वो भी नेगेटिव। और जब बात सेलिब्रिटीज की हो तब तो मानो उनको लगता है कि उनका मौलिक अधिकार है। मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने के 3 महीने बाद ही हरनाज का वजन बढ़ गया और लोगों के पेट में दर्द शुरू हो गया। लोग ये जानने के लिए उतावले हैं कि इतनी डेडिकेटेड और फिटनेस फ्रीक हरनाज का वजन इतने कम समय में और इतना ज्यादा कैसे बढ़ सकता है, वो इतना बड़ा गुनाह कैसे कर सकती है। हरनाज से खुद अपने वेट गेन की वजह बताकर ट्रोल करने वालों का मुंह बंद कर दिया है। चंडीगढ़ में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रोल्स को करारा जवाब देते हुए हरनाज ने कहा, मैं अपनी बॉडी की रिस्पेक्ट करती हूँ, मुझे सीलिएक बीमारी है, मुझे बॉडी शेमिंग से नफरत है, लोगों को नहीं पता कि मुझे ग्लूटेन से एलर्जी है। साथ ही ट्रोलिंग को लेकर उन्होंने कहा, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है, हर किसी को उसकी जिंदगी उसके हिसाब से जीने का हक है। आइए हम भी जानते हैं कि क्या होती है सीलिएक बीमारी। ये एक तरह का ग्लूटेन एलर्जी है। ये एक इंटेस्टाइनल यानी कि आंत संबंधी बीमारी है, शरीर में ग्लूटेन के डाइजेशन ना कर पाने की वजह से होती है। ग्लूटेन के बारे में भी जान लेते हैं। एक प्रकार का प्रोटीन है जो कुछ अनाजों में पाया जाता है, सबसे ज्यादा गेहूं में पाया जाता है। पानी के साथ मिक्स होने पर अनाज के आटे को एक खिंचाव वाली बनावट लेने में मदद करता है। जिन लोगों को सीलिएक बीमारी होती है उन्हें ग्लूटेन हजम नहीं होता और इसके सेवन से छोटी आंत को नुकसान पहुंचता है, जिससे वजन मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। हरनाज की ट्रोलिंग पर हम तो बस यही कहेंगे कि वे हमेशा देश का एक चमकता सितारा रहेंगी। दुनिया भर में हरनाज ने भारत की शान बढ़ाई है, लेकिन आप हमारी इस खबर पर कमेंट करने से बिल्कुल ना बचें। ऐसे ही तमाम दिलचस्प खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।